अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने क्लस्टर विश्वविद्यालय में धरना प्रदर्शन किया। स्थानीय विश्वविद्यालय की इकाई के नेतृत्व में किए गए इस धरना प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने क्लस्टर विश्वविद्यालय की गैर शिक्षक कर्मचारी द्वारा किए गए घोटाले को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने यह प्रदर्शन विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य कार्यालय के बाहर किया। इस अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर कई सवालिय निशान खड़े किए। मंडी क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष विशाल ने धरने पर कहा कि मंडी क्लस्टर यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। गैर शिक्षक वर्ग की जगह पर क्लर्क की ड्यूटी सीए के पेपर में लगाई गई थी। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि ऐसे कर्मचारी को दरख्वास्त किया जाए, नहीं तो विद्यार्थी परिषद जोरदार प्रदर्शन करेंगे। इस अवसर पर विद्यार्थी परिषद की कई पदाधिकारी व वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंडी क्लस्टर यूनिवर्सिटी अध्यक्ष, आप सभी को पता है कि जो मंडी महाविद्यालय में जो बहुत बड़ा एक घोटाला हुआ है, जो गैर शिक्षक वर्ग जो कर्मचारी है उसने जो घोटाला किया है, जो इग्नो की जो यहाँ पर टीचर जो ड्यूटी देता था, ड्यूटी उसने नहीं दी है और उसको जो वेतन है उसको मिला है। जो सीए का टेस्ट मंडी महाविद्यालय में हुआ तो उसमें ड्यूटी देने क्लर्क आया था, तो उसकी योग्यता नहीं है क्लर्क की, जो टेस्ट में ड्यूटी देने की जो योग्यता उस क्लर्क में नहीं थी, पर तब भी कॉलेज प्रशासन ने जो सीए के टेस्ट में ड्यूटी लगाई थी वो एक क्लर्क की ड्यूटी थी। अगर घोटाले की बात करूं तो यहाँ पर कई सालों पहले से जो घोटाला चला हुआ था और एक घोटाला अब बहुत बड़ा घोटाला हो गया है कि जो यहाँ पर उनके जो अपने ही रिश्तेदार यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जो जिस कर्मचारी के द्वारा घोटाला किया गया है उस कर्मचारी को यहाँ से बदला जाए या बर्खास्त किया जाए। धन्यवाद। परिषद की मांग को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया गया तो विद्यार्थी परिषद प्रतिदिन धरना प्रदर्शन करेगी।